मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, मंत्री जी और उनका भतीजा घायल, अस्पताल में भर्ती। बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर और खतरे से बाहर, हाथ में बैंडेज लगाया गया, डॉक्टर्स ने दी जानकारी। ममता के मंत्री पर हमले को अमित शाह ने बताया प्रशासन की चूक, कहा ये ममता जी और टीएमसी का आपसी मामला। अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा, अश्वेंद्र अधिकारी के कार्यक्रम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर किया हमला। कोलकाता में काकुरगाछी के फूल बागान में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में हिंसा हुई, टीएमसी एमएलए परेश पाल ने समर्थकों के साथ किया हमला। शुभेंदु अधिकारी और शंकु देव की गाड़ी पर भी टीएमसी समर्थकों ने किया हमला और पथराव, बाल बाल बचे शुभेंदु अधिकारी। हमले में नॉर्थ कोलकाता के बीजेपी प्रेसिडेंट शिवाजी सिंघा राय गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल जाकर बीजेपी नेता शिवाजी राय से की मुलाकात, अपोलो अस्पताल में कराया गया है भर्ती। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा ये पार्टी लोगों के बीच सिर्फ लड़ाई करवा रखी है। आज से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत करेंगे, भारत सेवाश्रम संघ और कपिल मुनि आश्रम भी जाएंगे। दौरे से पहले शाह का ममता पर निशाना, कहा हम जनता के लिए काम करने के लिए तैयार, लेकिन ममता जी जनता के लिए काम नहीं करना चाहती। दक्षिण 24 परगना जिले में आज अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों की रैली, थोड़ी ही दूरी पर एक ही समय दोनों करेंगे रैली। कृषि कानून के खिलाफ आज पूरे देश में किसानों का रेल रोको कार्यक्रम, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किसान रोकेंगे ट्रेन। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए रेलवे में आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया, पंजाब और हरियाणा में रेलवे ने सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर को क्रांति गेट बनाने का किया ऐलान, कहा यहीं पर लगाएंगे तिरंगा झंडा। कोर्ट ने मनिंदर सिंह को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, मनिंदर पर लाल किला में लोगों को भड़काकर हिंसा कराने में शामिल था। लाल किला हिंसा केस में गिरफ्तार इकबाल सिंह की भी रिमांड बढ़ी, इकबाल सिंह को भी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पीएम मोदी आज असम में महाबा ब्रह्मपुत्र जल मार्ग को शुरुआत करेंगे, इस परियोजना के तहत रो पैक्स पोत का होगा संचालन। पीएम मोदी आज ही धबरी फुलबारी सेतु की आधारशिला भी रखेंगे, साथ ही असम में माजुली सेतु निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। मुंबई में फिर लग सकता है लॉकडाउन, कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के चलते सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। कोरोना के बाद अब इबोला का खतरा, गयाना और कांगो में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए WHO ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच आतंकी हमला, आतंकियों ने एक शख्स को मारी गोली। मुस्लिम जमात फोर्स JNK ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी, हमले वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर ठहरा है विदेशी प्रतिनिधिमंडल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने IED कुकर बम को डिफ्यूज किया है, मनकोट में आतंकियों ने हाईवे किनारे किया था बम को प्लांट। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, आतंकियों के पास से हथियार और IED बनाने का सामान जब्त। कोलकाता में टॉलीवुड एक्टर यश दास गुप्ता के साथ कई एक्टर एक्ट्रेस ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय मुकुल रॉय ने दिलाई सदस्यता। भारत ने सार्क बैठक के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता, सार्क देश के स्वास्थ्य सचिव स्तर की होगी वार्ता, कोरोना की वजह से वर्चुअल होगी सार्क की बैठक। पीएम मोदी ने किया नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप पर फोरम के सेमिनार का उद्घाटन, कहा ज्यादातर टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, भारत पर बढ़ा निवेशकों का भरोसा। उत्तराखंड के चमोली में हादसे के बाद बनी कृत्रिम झील के पास पहुंचे IDBP के जवान, झील के मुहाने को साफ कर झील में जमे पानी को रिलीज करने की कोशिश। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या 58 हुई, 31 शवों को शिनाख्त कर लिया गया है, अभी भी 146 लोग लापता। गुजरात के दाहोद में दर्दनाक हादसा, कार में आग लगने से जिंदा जले 2 लोग, आग लगने के बाद लॉक हो गई थी कार। मुंबई और पालघर में 4 कंपनियों पर FDA का छापा, मौके से 1,62,00,000 रुपए की सब स्टैंडर्ड खाद्य तेल जब्त किया गया। केरल में कम नहीं हो रहे कोरोना के मरीज, बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,892 नए मरीज आए सामने, जबकि 16 की हुई मौत। यूपी के उन्नाव में जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 3 नाबालिग लड़कियां, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। खेत में दुपट्टे से बंधी मिली थी लड़कियां, दलित परिवार की बताई जा रही हैं, तीनों लड़कियां जानवरों का चारा लेने खेत में गई थी। उन्नाव में जोर जबरदस्ती के बाद दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका जताई जा रही है, गंभीर हालत में 3री लड़की अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में चार्जशीट दाखिल, 2 इंजीनियर समेत 6 लोगों को बनाया गया आरोपी, अखिलेश सरकार में हुआ था 800 करोड़ का घोटाला।
मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र, सब्सिडी का बकाया 16,000 करोड़ करने की मांग की गई, वित्तीय स्थिति खराब होने का दिया हवाला। भोपाल में कुख्यात बदमाश के ठिकाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने इरफान के 3 मंजिला अवैध मकान को किया जमींदोज। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, 14% आरक्षण की जारी रहेगी, कोर्ट ने सरकार से 15 मार्च तक जवाब देने को कहा है। छत्तीसगढ़ में एफसीआई का पुराने बोरी में चावल लेने से इनकार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र को पत्र लिखकर मांगी अनुमति, दोहरी नीति अपनाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल हुई बर्बाद, खरीदी केंद्रों पर रखे गए धान भी भीग चुके हैं, बीजेपी ने सरकार को घेरा। बिहार के छबरा में शोक सभा में हर्ष फायरिंग, बीजेपी नेता की मां के निधन पर मातम में शामिल लोगों ने की फायरिंग। झारखंड में रसोईया और सहायिकाओं को मिलेगा 2,000 रुपए महीना मनोदय, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल। झारखंड के जमशेदपुर में चलती स्कॉर्पियो कार में लगी आग, हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत, गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक होने के चलते फंस गया शख्स। झारखंड के चाईबासा से 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए थे बम प्लांट, दोनों के खिलाफ दर्जन भर मामले दर्ज हुए। राजस्थान के दौसा में NH-21 पर बेकाबू बस पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राजस्थान के जालौन में मारुति वैन में लगी भीषण आग, इंजन ठीक करने के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। राजस्थान के बीकानेर में गाय ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला, महिला गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।